और इधर पलामू में भी वाहनों का परिचालन ठप रहा और निजी स्कूल भी बंद रहे। जगह जगह पुलिस तैनात थे। वहां सड़क पर उतरे करीब 20 बंद समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। भारत बंद के दौरान लोहरदगा में भी वाहन नहीं चले। पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी और सुबह सुबह बंद समर्थक सड़क पर उतर गए थे। बंदी में उपद्रवियों से निपटने के लिए सड़क से लेकर चौक चौराहों पर सशस्त्र बल तैनात थे। बॉक्साइड ले जाने वाले वाहनों का परिचालन ठप था। लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चल रही थी। हालांकि रेल यातायात सामान्य थी। शहरी क्षेत्र में लगभग सभी निजी स्कूल बंद थी। सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम थी। रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और गुमला जिले में भी ऐसी ही कुछ सूचना मिली थी।